बाबरी मस्जिद के तरफ से वो जो नमाज का समय वो ख़त्म होगा, आंकड़ा नंबर एक, और सभी अखाड़ा क्यू में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है। फिर 6:20 पर नमाज का समय जो पहले से तय है वो प्रक्रिया सतत चलेगी और लोगों के अंदर उत्साह पहले से जा। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। कश्यप, आज सिवान के महावीरी अखाड़ा जो काफ़ी प्रसिद्ध है और इस अखाड़े को देखने के लिए दूर दराज गांव से बहुत सारे लोग आज आते हैं। और आज देखिए कि अभी ये जिला प्रशासन का जो कैंप है वो बड़ी मस्जिद के ठीक सामने यहां लगता है और यहीं से वो सारे अखाड़े जो सिवान शहर से निकलते हैं, हमें लगता है कि शायद 10 अखाड़ा है जो पूरे सिवान से निकलता है और इसी रास्ते से, ये मुख्य मार्ग है बड़ी मस्जिद का, वो इलाका जो शांति बट वृक्ष से होते हुए सोनार टोली, कसरा टोली और फिर बड़ी मस्जिद, थाना रोड होते हुए ये पुराना बाटा मोड़ और फिर जेपी चौक होते हुए गांधी मैदान जाकर आज महावीरी अखाड़ा का समापन होता है। आज काफ़ी गहमा गहमी है, सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं कि मेरे साइड में ये आरएफ के जवान जिन्हें विशेष तौर पे यहाँ पे बुलाया गया है, जिला प्रशासन शांति व्यवस्था को लेकर के कोई भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है और जिला प्रशासन काफ़ी सजग है। अभी नमाज का वक्त है, ये 4:45 में ये नमाज शुरू होगा और फिर 5:15 नमाज का वक्त ख़त्म होगा। उसके बाद जो अखाड़ा है, अभी अखाड़ा नंबर एक बड़ी मस्जिद जो उसका निर्धारित समय था वहाँ पे नहीं पहुँचा है, लक्ष्मण रेखा के पास उसे रोक दिया गया है। अब जब 5:15 का जो नमाज ख़त्म होगा उसके बाद से ये अखाड़ा आगे बढ़ेगा और फिर एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से जो 10 अखाड़ा हैं वो सब यहाँ से बड़ी मस्जिद के सामने से गुजरेंगे। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि प्रशासन के तरफ से पुख्ता इंतजाम है इस बार महावीरी अखाड़ा को लेकर के। कैमरामैन से चाहेंगे कि वो एक बार कैमरा ज़रा ऊपर उठा करके और वो पीछे का दृश्य भी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है और सभी लोग यहाँ पे हैं। हमारे साथ केंद्रीय अखाड़ा समिति के महासचिव, बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक जन्मजय कुमार मौजूद हैं। जन्मजय जी, आज महावीरी अखाड़ा है और इसका इंतजार सालों भर रहता है सिवान वाले को और दूर दराज के लोग भी मेला देखने के लिए आते हैं, क्या हालात है इस वक्त? लगभग 5:00 रहे हैं, क्या हालात है मेला का? पूरा शहर लोगों से, राम भक्तों से, हनुमान जी के भक्तों से पटा हुआ है। अभी आखड़ा नंबर एक अपने लक्ष्मण रेखा के पास आकर के रुकी हुई है। जो समय अनुसार प्रशासन और समिति के द्वारा जो तय हुआ, उस समिति समय अनुसार रुकी हुई है। जैसे ही बड़ी मस्जिद के तरफ से वो जो नमाज का समय वो ख़त्म होगा, आखड़ा नंबर एक, और सभी अखाड़ा क्यू में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है। फिर 6:20 पर नमाज का समय जो पहले से तय है वो प्रक्रिया सतत चलेगी और लोगों के अंदर उत्साह पहले से ज़्यादा है। जन्मजय जी, आपको नहीं लगता कि ये
अभी तक दो तीन अखाड़े निकल गए रहते, प्रशासन काफ़ी ये जब भी मीटिंग हुई प्रशासन ने कहा कि समय का पालन करें, समय से निकालें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए अखाड़ा नंबर एक का लंबा प्रोसेशन रहता है और कम से कम 4-5 किलोमीटर उनको मोहल्ले में घूमना पड़ता है। सराय, शिशु मंदिर, महावीरी मंदिर से निकल करके भावनाथ वो तरवारा मोड़ होकर के फिर मोहल्ले में घूम करके आता है। और इस बार लोग संख्या ज़्यादा होने के कारण थोड़ी सी समय का थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन हम यहाँ निकल जाता अखाड़ा, लंबा प्रोसेशन के कारण यात्रा रुकी हुई है, शोभा यात्रा रुकी हुई है। अभी निरंतर सभी अखाड़ा एक साथ लग चुका है और जैसे ही लक्ष्मण रेखा निकलेगा हमको लगता है 9 बजे तक हम सब अखाड़े को पास करा लेंगे। आपको लगता है कि 9 बजे तक हो जाएगा? हो जाएगा, 9 बजे तक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। 6 बजने वाले जन्मजय से हमारी बात हो रही थी और वो 9 बजे तक ये कह रहे हैं कि सारे अखाड़े पास हो जाएंगे, लेकिन हमें आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स, ऑल कैंपस CCTV कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराएं प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।